इसमें कौन सी आप कौन सी ना करें। अब इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो इन कनेक्शन विद आवर प्रीवियस जो हमारा था ये हमारी हमारा सेशन था कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि उसकी कॉन्टिन्यूटी में ही है। ऑलमोस्ट दो थोड़ी सी रिफाइंड चीजें इसमें होती हैं और एज और उसके बाकी चीजों के हिसाब से, लेकिन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसपे भी उतना ही अप्लाई होता है जितना हम कॉन्ट्रासेप्शन के डिसीजन के टाइम पे हम करते हैं। तो इसमें भी जो है वो सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जहां तक ये हार्मोनल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो इसका कॉमनली यूज्ड वर्ड है उसका ताल्लुक है, तो इसमें कभी ये नहीं हुआ कि हम इसमें कहें कि एब्सोल्यूटली नॉट टू बी गिवन। अगर से जो मिलियन वुमेन स्टडी थी उसमें कुछ चीजें साबित हो गई एज रिगार्ड टू इट्स लिमिटेशंस या इसके साइड इफेक्ट्स, जिसकी वजह से जो हमारा एक पुराना कंसेप्ट था कि इसमें हम हर एक को दें, क्योंकि पहले ये कंसेप्ट होता था कि HRT इज फॉर 100% ऑफ ऑल विमेन टू मेक देयर लाइफ इन अ बेटर शेप और उसमें उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है बेसिकली उसको इम्प्रूव करने के लिए। लेकिन मिलियन विमेन स्टडी ने उस चीज को गलत साबित किया कि इसमें हम हर पेशेंट को नहीं दे सकते, इसमें देर आर फ्यू लिमिटेड देर आर बेसिकली जो रिकमेंडेशंस या उसमें जो उसकी इंडिकेशंस हैं वो हर एक में एग्जिस्ट नहीं करती। मैनी वुमेन हैव अमीनोपॉजल ट्रांजिशन विदाउट एनी सिम्टम्स सो दे डोंट नीड इट रियली, लेकिन जिनमें मीनोपॉजल ट्रांसमिशन इज क्वाइट स्केरी या उसको हम कह सकते हैं सिम्टोमेटिक है, वहां पे इसकी जरूरत बहुत होती है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। और बार दफा तो ये भी कि हमें कुछ जो रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है उनको भी ओवरलुक करना पड़ता है इसको इसको देने से पहले। तो इसमें जो कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन है वो वहां से ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द मिलियन वुमेन स्टडी, तो इसलिए अब हम इसको इंडिविजुअलाइज करके देते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। अब इसमें पॉइंट्स टू कंसीडर क्या हैं वो हम आगे चल के जरा देख लेते हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हम हर एक को दें। अब उसमें बहुत सारी इसमें प्रेपरेशन, दूसरी जो बहुत सारी क्वेरीज होती हैं वो ये कि इसकी चूंकि डिफरेंट प्रेपरेशन हैं, एक तो प्रेपरेशन क्या हैं जो विच कैन बी यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्शन और सॉरी फॉर HRT, और ये दूसरी चीज ये कि कौन सी प्रिपरेशन किस प्रॉब्लम के लिए ज्यादा सूटेबल है, जैसे बहुत जो अर्जेंट इश्यूज होते हैं मेनोपॉज सिम्टम से रिलेटेड वो ज्यादातर हॉट फ्लशेस का मसला होता है और जेनिटल एट्रोफी का मसला जिसमें डिस्पेरोनिया और ये सारी कोइटल डिफिकल्टीज वाली चीजें आ जाती हैं, तो वो उसकी अर्जेंट इंडिकेशंस बन जाती हैं। सो व्हेन एवर अ पेशेंट इज हैविंग दिस हॉट फ्लशेस या फिर जेनिटो यूरिनरी एट्रोफी उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे डिफिकल्ट क्वाइटस है या उसमें रिकरेंट UTI है, इस ये सारी चीजें या मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेज है, देर इट इज रियली इंडिकेटेड। तो उसमें क्या ऑप्शंस हैं ये लेट सी दैट। और दूसरी चीज जो बहुत सारे इसके कह सकते हैं कि कोलेट्रल इफेक्ट्स हैं जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन ट्रीटमेंट तो नहीं होती लेकिन प्रिवेंशन का किसी हद तक, तो वो चीज जो है ये इसमें वो उसमें थोड़ा सा रिलेटिव इंडिकेशंस बन जाती हैं, यानी उसमें ये नहीं है कि प्योरली हम उस चीज के लिए इनको दे सकते हैं। तो इसमें हम इसको शुरू करते हैं कि इसमें जो है इससे रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें हैं, ये थोड़ा सा इसका ना मेरा ख्याल बैटरी का भी कुछ इशू था, थोड़ा सा लाइट का ये देख लें बैटरी का तो नहीं इशू, ओके क्योंकि पिछली दफा भी ना बैटरी डाउन हो गई। चार्ज हो रही है क्या ये चार्जर की? हाँ जी ये चार्जर लगा है तो मेरा ख्याल चार्ज हो ही जाएगी साथ साथ। ठीक है पीयूष। हाँ चलो ठीक है हो रही चार्ज ठीक है।
अच्छा अब इसमें व्हाट आर, क्योंकि अब हम जो कॉन्ट्रासेप्शन और जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन हैं और ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट एचआरटी है उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों में यूज होती है, देन व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस उसमें ये होता है कि एज द टाइम पासिस ऑन विद द पेशेंट आफ्टर एज 35, तो ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल है स्लोली इनका जैसे ओवेरियन फंक्शन डिक्लाइन करता है तो इनके लेवल्स भी डिक्लाइन करते हैं. सो इन अ पेशेंट विद अ पीक रिप्रोडक्टिव एज जो उसके हार्मोन्स के लेवल होते हैं और जो मेनोपॉज से पहले उसके लेवल्स हैं वो दीज आर क्वाइट डिफरेंट. तो इसमें इसीलिए हमें यंग एज पे कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हाई डोज पिल्स देनी पड़ती हैं टू कॉज एन ओविलेशन. ओवेरियन सप्रेशन के लिए चूंकि पीक अपने उस पर प्रोडक्टिविटी पे होती हैं ओवेरियन हार्मोन, इस वजह से उनको सप्रेस करने के लिए ज्यादा डोज चाहिए होती है. While in the premenopausal time period and even after the menopause, इसमें हमें जो replacement देनी है वो बहुत minimal doses में देनी होती है जो कि physiological levels होते हैं. तो इस वजह से इसमें even जब हम contraception का भी purpose सब हमने करना होता है at around age of perimenopause या menopause, क्योंकि 1 year after the menopause भी contraception indicated है, वहाँ पर हमें low dose pill से काम चल जाता है. तो इसमें हर फॉर एवरी फीमेल इंडिकेशंस फर्क हैं, रिस्क और बेनिफिट्स फर्क हैं. तो इंडिकेशंस डेफिनेटली अगेन अकॉर्डिंग टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि किसमें जो कोमॉर्बिडिटीज हैं उसके हिसाब से हमने ये डिसाइड करना होता है. और उसके फिर व्हाट आर द स्पेसिफिक नीड्स, उसके सिम्टम्स क्या हैं, क्या खाली हॉट फ्लशेज हैं या फिर जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स हैं और उसकी प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री क्या है. तो इसमें जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑलमोस्ट वही हैं जो कि हम कॉन्ट्रासेप्शन और जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है उसकी जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सिमिलरली इनकी भी हैं. तो लेकिन जो ज़्यादा इसकी अर्जेंट इंडिकेशंस टू यूज़ हैं वो वेजोमोटर सिम्टम्स हैं और जेनिटो यूरिनरी सिम्टम्स हैं. जो ऑस्टियोपोरोसिस वाला जो इफेक्ट है वो बेसिकली इसमें बहुत मैटर नहीं करता, बट दैट अगेन इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग टू कंसिडर. लेकिन प्योरली उस पर्पज के लिए हम ये नहीं कि सिर्फ एचआरटी के साथ ही मैनेज हो सकते हैं, दिस कैन बी मैनेज्ड बाय द अदर थेरेपीज एज वेल, जो नॉन हार्मोनल थेरेपीज होती हैं. तो इसमें बेनिफिट्स और रिस्क क्या हैं? जो सबसे ज्यादा जो मिलियन वुमेन स्टडी में जो बात सामने आई थी वो ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी से रिलेटेड ही थी कि विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ एचआरटी यानी फॉर मोर देन 10 years, प्रोलॉन्ग यूज होता है जो मोर देन 10 years है, तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 10-30% बढ़ जाता है. तो इस वजह से जिनमें पेशेंट में फैमिली हिस्ट्री हो या उनमें खुद अपनी हिस्ट्री हो ब्रेस्ट सीए इन द पास्ट, वहाँ पे हमें सेफ ऑप्शंस को देखना पड़ता है. फिर यूजली जो एक हमेशा से एक कंसेप्ट था कि ईस्ट्रोजन जो है वो इज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द कार्सिनोमेटिस चेंजेस, बट द स्टडीज हैव प्रूव्ड इट रॉन्ग, क्योंकि इसमें उस तरह से नहीं ये इंडक्शन करती चेंजेस की जैसे कि लेकिन इसका प्रमोट इसको कर सकती है. अब जो एचआरटी कॉम्बिनेशन एचआरटीज जो होती हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, इसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द रिस्क विच इज कॉज्ड बाय द एस्ट्रोजन ओनली पिल्स. This is to be remembered. अब estrogen basically जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये promote कर सकती है इसकी growth को, यानी already जो epithelial changes induced हुई by the use of progesterone. अब progesterone is considered to be the main culprit behind this thing. तो जो epithelial changes progesterone कर रहा होता है estrogen उसको promote करती है. So estrogen अगर हम खाली दें राइट फ्रॉम द बिगनिंग तो उसमें इतना रिस्क नहीं होता जितना कंबाइंड प्रेपरेशन या प्रोजेस्टोजन ओनली प्रेपरेशन के साथ होता है. अब जहां तक एचआरटी में प्रोजेस्टोजन को शामिल करने वाली बात है, क्योंकि अगर हम देखें तो ये सारे मेनोपॉजल सिम्टम होते हैं ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से, कि ईस्ट्रोजन नहीं बन रही है तो उसकी वजह से हॉट फ्लशेज भी देख लें, जो बाकी जो बोन ग्रोथ है या बोन की रीमॉडलिंग है या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं या साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस हैं और जेनिटो यूरिनरी एट्रोफी एंड द कनेक्टिव टिश्यू स्ट्रेंथ ऑल इज डिपेंडेंट अपॉन ईस्ट्रोजन, देन व्हाई वी कंबाइन इट विद द प्रोजेस्टेरोन व्हेन इट्स सो डेंजरस.
तो इसमें प्रोजेस्टोजेंस का एक सोल पर्पस जो होता है वो होता है फॉर द एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन. तो विद द इंटैक्ट यूट्रस हमने ये देना होता है प्रोजेस्टोजन के की कॉम्बिनेशन में. इधर हम उसको आगे हम डिफरेंट उसके डोजेज और रिजीम्स को डिस्कस करते हैं कि इसमें इसका मकसद एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन ही होता है, लेकिन इसका फिर एट द सेम टाइम द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट सी इज इंक्रीज्ड. ऑस्टियोपोरोसिस अगर एस्टेब्लिश्ड है ऑलरेडी तो उसमें ये इतना बेनिफिशियल नहीं होता जितना ये कि उसकी प्रिवेंशन के लिए या उसकी रिस्क रिडक्शन के लिए. तो बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन या रिस्क रिडक्शन जो है दैट अगेन इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स इन अ पेशेंट. और वो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, अगर उसमें हिस्ट्री ऑफ फॉल्स हैं, अगर उसमें पहले ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली चीज़ें मौजूद हैं, या उसमें जो है वो पेशेंट थिन एंड स्लिम है जिसमें एक्स्ट्रा ओवेरियन साइट से एस्ट्रोजन नहीं बन रही होती, तो ये सारी चीज़ें रिस्क फैक्टर के तौर पर होती हैं. देयर वी कैन गिव द HRT फॉर दिस पर्पज एज वेल, चाहे हॉट फ्लशेज की वजह से इंडिकेटेड ना भी हो. लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंशन का इफेक्ट उस वक्त तक ही रहता है जब तक हम ये HRT दे रहे होते हैं. तो जितना ज्यादा हम लंबा टाइम देते हैं उतना ही बेहतर इसका इफेक्ट होता है. डायबिटीज मिलाइटस में नई टाइप 2 डायबिटीज नहीं डेवलप होती, लेकिन ऑलरेडी अगर मौजूद पेशेंट डायबिटिक है और उसके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं दैट आर बियॉन्ड 300 एंड 400, तो वहां पे उसका थोड़ा सा कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. अदरवाइज हमने तो जो कि हमने कॉन्ट्रासेप्शन से रिलेटेड भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा था कि ये कैटेगरी 2 में आता है वेयर वी कैन गिव इट, जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्शन है वो हम सेफली दे सकते हैं. तो यहाँ तो हम बहुत कम डोज में दे रहे होते हैं, तो इस वजह से डायबिटीज मेलाइटस में हम दे सकते हैं. हाउएवर डीवीटी का रिस्क बढ़ सकता है स्पेशली इन द पेशेंट. अब ये नहीं कि इसमें कोई नया डीवीटी का रिस्क होगा, बट इन द पेशेंट हु हैव रिस्क फैक्टर्स, फैमिली हिस्ट्री है या उसके अपने उसमें रिस्क फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं या उसको पहले डीवीटी हो चुकी है, देयर इट इज रिलेटिवली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड. लेकिन जो लिवर डिसऑर्डर्स वगैरह हैं ये सब चीज़ों में ये एब्सोल्युटली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है एज विद द कॉन्ट्रासेप्शन. अब इसको हमने इनिशिएट जो करना होता है उसमें एक ही डोज हर पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं होती. तो अगेन इंडिविजुअलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन में ये है कि किसी सिम्टम के लिए कम डोज चाहिए, किसी सिम्टम के लिए ज़्यादा डोज चाहिए. जैसे अगर हमने ऑस्टियोपोरोसिस की प्रिवेंशन के लिए देना है तो उसमें वी स्टार्ट विद मॉडरेट डोज, लो डोज वाली चीज़ नहीं, मॉडरेट डोज. तो इसमें लेकिन एज अ जनरल रूल, और दूसरी चीज़ ये कि अगर हम इसको विद इन 1 ईयर ऑफ मीनोपॉज स्टार्ट करते हैं तो अगेन वी हैव टू स्टार्ट विद द मॉडरेट डोज. लेकिन अगर हम उसको 1 ईयर के बाद यूज़ करना शुरू करते हैं, यानी पेशेंट को 1 ईयर के लिए मीनोपॉज हो गया और उसके बाद फॉर एनी इंडिकेशन इट इज़ इंडिकेटेड, तो फिर हम उसको मिनिमम डोज से शुरू करेंगे. सो देर आर मैनी थिंग्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर वी डिसाइड द डोज. और उसमें ये कि अर्ली स्टार्ट ऑफ थेरेपी, यानी उसका बेनिफिशियल इफेक्ट तभी होगा जब आप उसको मीनोपॉज के बाद जल्दी शुरू कर लोगे. तो ये वही चीज़ है जो पहले हमने डिस्कस कर ली, लेकिन हम इसमें ये नहीं डिसाइड कर सकते, यूजुअली हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि इसको कितने अरसे के लिए देनी चाहिए HRT. और यूजुअली हमें 6 month टाइम पीरियड में वी कम टू नो दैट वेदर दिस HRT इज इफेक्टिव और नॉट, वी कैन स्विच ऑन टू द हायर डोज और वी कैन स्विच ऑन टू एन ऑल्टरनेट थेरेपी. तो इस वजह से हमें 6 महीने चाहिए होते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि विच थेरेपी, विच रिजीम, विच डोज विल बी एडिक्वेट फॉर दैट पर्टिकुलर पेशेंट. लेकिन अगर हम एक दफ़ा ये शुरू कर लेते हैं HRT और उससे सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं तो कम अज कम इसको कंटिन्यू करना चाहिए फॉर 5 ईयर्स. और इसमें अगेन ये एक एवरेज डिसीजन है, लेकिन इसमें हम डेफिनेटली डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि इन बिटवीन इफ एनी इंडिकेशन अराइज, क्योंकि पेशेंट जो भी HRT पे होता है रेगुलर फॉलोअप उसमें मैंडेटरी हो जाता है टू नो द रिस्क फैक्टर्स और जो उसके डिसएडवांटेजेस हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए. और उसमें अगर हमने 60 ईयर से ऊपर एज पे HRT यूज करनी हो, ये वही बात है जो हमने पहले की है कि जितना हम लेट करेंगे उतना हमें लो डोज के साथ हमें शुरू करना पड़ता है. अब प्रोजेस्टोजेंस जो है इसमें
प्रोजेस्टोजन की जाहिर है उसी वक्त है जब एंडो जब यूट्रस निकल चुकी है. अब जाहिर है ज्यादातर तो पेशेंट में हिस्टेक्टमी नहीं हुई होती. सो देयर वी हैव टू कंसीडर दिस पॉइंट. तो इसमें माइक्रोनायजाइड प्रोजेस्टोजन, ये अभी लेटेस्ट रिकमेंडेशन भी है, यूके ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इन 2019, कि माइक्रोनायजाइड प्रोजेस्टोजन आर ऑलवेज अ बेटर चॉइस टू रिड्यूस इट्स रिस्क इफेक्ट. और इसके अलावा ये एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन अच्छे तरीके से ये करती है. अब माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन जो है वो आप लोगों को अंदाजा हो गई, इसमें जो यूके ने रिकमेंड की थी वो यूट्रोजेस्टेरोन के नाम से, बट देर आर मेनी अदर प्रेपरेशन. और इसी तरह से जो थर्ड जनरेशन प्रोजेस्टोजन है डाइड्रोजेस्टेरोन, ये इनमें लो दीज आर एसोसिएटेड विद द लो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, क्योंकि माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन ही नहीं बल्कि ईस्ट्रोजन भी होती है. तो माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्टोजन या ईस्ट्रोजन, दीज क्लोजली सिमुलेट द नॉर्मल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. तो यही वजह है कि इसमें जो इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं. जैसे ब्रेस्ट सीए का एक है, एक इशू ऑफ कंसर्न है व्हाइल वी आर यूजिंग द कंबाइंड पिल्स. और इसी तरह से जो डीवीटी का रिस्क है वो भी बाकी प्रोजेस्टोजन के मुकाबले में इसमें कम होता है. अब प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टोजन हम डिफरेंट जगहों पे यूज कर रहे होते हैं. प्रोजेस्टेरोन अमूमन वो चीज है जो नेचुरली प्रोड्यूस हो रही होती है इन ह्यूमन बॉडी. प्रोजेस्टोजन वो हैं जिनसे मुराद सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन होते हैं. अब ये जो है ये अब प्रोजेस्टोजन या तो कंबाइंड कॉन्टिन्यूस कंबाइंड पिल की फॉर्म में होता है, यानी हम यूजली जो एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे प्रोगैलुटोन होता है जो पेरीमेनोपॉजल इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग के लिए भी यूज होता है, एंड दिस इज यूज्ड फॉर द एज एन एचआरटी एज वेल. उसमें हर पिल के अंदर ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है, सो दिस इज कंबाइंड प्रेपरेशन. लेकिन कुछ जो प्रेपरेशन हैं उनमें पहले ईस्ट्रोजन दी जाती है और उसके बाद फिर इसको हर महीने 12 या 14 दिन के लिए हम इसमें प्रोजेस्टोजन कंबाइन कर देते हैं. सो देयर आर डिफरेंट रिजीम्स अबाउट दैट. कंबाइंड रिजीम जो है उनमें ज्यादा बेहतर जो है वो एमेनोरिया या इरेगुलर ब्लीडिंग को मैनेज करने की ज्यादा कैपेसिटी होती है. और दूसरी चीज ये कि इसमें साइक्लिकल, अगर हम कंबाइंड देते हैं साइक्लिकल फॉर्म में, यानी अब इसको सिंप्लीफाई मैं इसको करती हूँ कि कंबाइंड पिल्स हैं जैसे प्रोगैलुटोन है, इसको हम अमूमन साइक्लिकल फॉर्म में देते हैं, 3 हफ्ते दिया, 1 हफ्ता छोड़ दिया, उस 1 हफ्ते में पेशेंट को ब्लीड होगा. सो दिस इज साइक्लिकल मंथली रिजीम. कुछ प्रेपरेशन ऐसी होती हैं जिसमें आप 3 महीने के लिए ईस्ट्रोजन देते हैं और आखिरी 12 से 14 दिन उसमें कंबाइन कर देते हैं प्रोजेस्टोजन. सो दिस इज इनफ्रीक्वेंट ब्लीडिंग रिजीम, यानी साल में सिर्फ उसको उनको 3 या 4 दफा पीरियड्स हो. तो ये डिफरेंट तरह से ये इसको हम इसमें कर सकते हैं, और यही हमने कॉन्ट्रासेप्शन में भी डिस्कस किया था. अब इसमें जो एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन है उसके लिए सिर्फ ओरल ही काफी नहीं होती, ओरल ही एक वो नहीं होती, बल्कि प्रोजेस्टेरोन आईयूसीडी, प्रोजेस्टोजन आईयूसीडी जैसे माइरीना है, तो वो भी एक बहुत अच्छी चॉइस है टू मिनिमाइज इट्स सिस्टेमिक इफेक्ट, क्योंकि लोकली रिलीजिंग डिवाइसेस जो हैं उनके सिस्टेमिक इफेक्ट बहुत कम होते हैं, बहुत कम उनमें सिस्टेमिक एब्जॉर्प्शन होती है. तो वो हम माइरीना रख सकते हैं और साथ के साथ पेशेंट ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन ले सकता है. अब जो कंबाइंड कॉन्टिन्यूस रिजीम है, यानी हर गोली जिसमें ईस्ट्रोजन भी है प्रोजेस्टेरोन भी है, उसकी एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसके के जिसमें हम पहले ईस्ट्रोजन दें और उसमें बाद में प्रोजेस्टेरोन कंबाइन कर दें, क्योंकि राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे ईस्ट्रोजन के इफेक्ट्स को का इफेक्ट जो है ऑन एंडोमेट्रियम उसको नलीफाई कर रहा होता है. और लेकिन ये है कि इसमें जो हम कंबाइंड कॉन्टिन्यूस देते हैं उसमें जो उसके हॉट फ्लशीज के इफेक्ट हैं या जेनिटो यूरिनरी एट्रॉफी के इफेक्ट्स हैं वो फिर इतने बेहतर कंट्रोल नहीं हो रहे होते. सो वी हैव टू कंसिडर दिस एज वेल. इसमें खाली जब हम ईस्ट्रोजन दे रहे होते हैं और आखिर में जाके कंबाइन करते हैं तो उससे जो हॉट फ्लशीज या जेनिटो यूरिनरी एट्रॉफी के इफेक्ट्स हैं वो ज्यादा बेहतर कंट्रोल हो जाते हैं. अब उसमें जो इमीडिएट इफेक्ट्स हैं, जो सबसे इसका बेहतर इफेक्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है, वो होते ही वेजोमोटर सिम्टम्स हैं.
और ये इसके लिए ओरल रूट, ट्रांसडर्मल रूट, इसके लिए बहुत सारी प्रिपरेशन है जो हम यूज कर सकते हैं। और बाकी मूड चेंजेस, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि ये तीन वो चीजें हैं जिसके लिए ज्यादातर हम यूज करते हैं। और यूरिनरी सिम्टम्स हैं, और इसके अलावा बाकी कनेक्टिव टिश्यू, बेसिकली जो एट्रोफी को मैनेज कर रहा होता है ना, वो ये ईस्ट्रोजन थेरेपी के साथ हो रहा होता है। अभी जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से रिलेटेड, ये भी एक चीज मिलियन वुमेन स्टडी में सामने आई थी कि थोड़ा सा कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रोलॉन्ग यूज के साथ बढ़ जाता है। तो इसमें लेकिन इस पे अगेन डिपेंड करता है, क्योंकि देखो मिलियन वुमेन स्टडी में बहुत सारे पेशेंट की इंडिविजुअलाइजेशन नहीं की गई थी, उसमें एस्टेब्लिश्ड कार्डियक डिजीज वाले पेशेंट भी थे, जाहिर है उनमें तो उस तरह का प्रोटेक्टिव इफेक्ट नहीं होता उन पेशेंट की निस्बत जो के जिनमें के पहले से स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं है। सो देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वाज नॉट बेसिकली बीइंग कंसीडर्ड, तो इस वजह से उनके बहुत सारे रिजल्ट्स को अब हम क्वेश्चन कर भी सकते हैं, लेकिन एनीवे इट वाज द रिजल्ट ऑफ दैट स्टडी एज वेल। कॉग्निशन लेवल जो है वो बेसिकली एस्टेब्लिश्ड अल्जाइमर डिजीज को कुछ नहीं करता, उसके डिमेंशिया को कुछ नहीं करता, लेकिन अगर हम इसको अर्ली स्टार्ट कर लें आफ्टर द मेनोपॉज, कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन हैज बीन क्लेम्ड, और इसमें थोड़ा सा जो है वो लॉन्ग टर्म जो रिडक्शन इन द रिस्क है वो अल्जाइमर का वो उसमें कम हो जाता है, लेकिन एस्टेब्लिश्ड अल्जाइमर को ये कुछ नहीं, उस पर इफेक्ट नहीं करता। अब ओवेरियन कार्सिनोमा का रिस्क, ये हम सब जानते हैं कि कॉम्बिनेशन थेरेपी चाहे हमने कॉन्ट्रासेप्शन के लिए दी हो या HRT के लिए दी हो तो उससे इसका रिस्क कम हो जाता है, लेकिन अगर हम ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशंस यूज कर रहे हैं तो उसमें लॉन्ग टर्म यूज के साथ इसका थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाएगा ओवेरियन CA का, और खास तौर पे अगर पेशेंट को पहले कभी ग्रैनुलोजा सेल ट्यूमर का प्रॉब्लम रहा हो तो। और इसी तरह से अगर एंडोमेट्रियोमास थे पहले और वो उसमें जो उसके को रेजिडुअल स्पॉट्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो एंडोमेट्रियल CA जो है वो उसमें हमें पता है कि वो ये बढ़ा देता है और उसको हमने मिनिमाइज करना है विद द प्रोजेस्टोजन। सर्वाइकल कार्सिनोमा पे कोई नहीं है, लेकिन कोलोरेक्टल कैंसर्स का रिस्क रिड्यूस हो सकता है विद द यूज ऑफ ओरल कंबाइंड HRT फॉर 3 इयर्स, यानी कम से कम 3 साल के लिए हम दें। अब जो है वो ड्यूरेशन ऑफ हार्मोन थेरेपी, जिसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी सी बात कर ली कि जो ऑप्टिमल ड्यूरेशन है वो हर फीमेल टू फीमेल फर्क होती है, और अगर कोई और कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो फिर हम उसकी कौन सी टाइप ऑफ हॉर्मोन्स है, किस डोज में देना है, कितने अरसे के लिए देना है, दिस हैज टू बी टेस्टेड टाइम एंड अगेन, क्योंकि इसमें फिर हमें बार दफा अपने डिसीजंस चेंज करने पड़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रीमेच्योर मेनोपॉज, और प्रीमेच्योर मेनोपॉज में इसमें ये होता है कि इसमें पेशेंट फॉर सम रीजन और अदर, कोई भी इसमें वजह बन सकती है, इवन टर्नर सिंड्रोम तो आप सबको पता ही है, बट एनी अदर कंडीशन कैन द पेशेंट कैन हैव प्रीमेच्योर मेनोपॉज। उसमें एज अ जनरल रूल इसमें पेशेंट को हमने वहीं पे, सपोज एक पेशेंट को 30 या 32 ईयर्स पे हो गया प्रीमेच्योर मेनोपॉज, तो इसमें पेशेंट को हमने स्टार्ट कर देनी होती है HRT, जो कि अमूमन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में जो हम डोज यूज करते हैं या फॉर्मुलेशंस यूज करते हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा हो, जैसे ईस्ट्रेडायोल है, एथिनाइल ईस्ट्रेडायोल की हम बात कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बायो एक्टिव है, तो उसको उसकी प्रेपरेशन हम यूज करेंगे टिल द नेचुरल एज ऑफ मेनोपॉज विच इज कंसिडर्ड टू बी 51 ईयर्स, बट इन सम स्टडीज इट हैज बीन क्लेम टू कंटिन्यू टिल 45 ईयर्स, तो ये इसमें हमने उस एज तक हमने करना है। अब उसमें जो इसका रिस्क है इतने प्रोलॉन्ग यूज के साथ, सपोज एक पेशेंट को 30 इयर्स पे हो गया तो शी हैज टू टेक इट मिनिमम फॉर 15 इयर्स, तो उसमें क्या रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लेकिन जो यंग एज वीमेन है जिनमें प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर हो गया, डेफिनेटली हमने कंबाइंड पीली देनी है क्योंकि इसमें हम ईस्ट्रोजन ओनली तो नहीं कर सकते क्योंकि यूट्रस इज यूजुअली इंटैक्ट, उसमें रिमूव नहीं हुई होती, तो उसमें जो है वो उसका ब्रेस्ट CA का रिस्क उतना नहीं होता जो यंग वोमेन में जितना के ओल्ड एज वोमेन में होता है और आफ्टर एज 50 इयर्स। अब इसमें HRT और कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो है दोनों ये यूज हो सकती हैं, लेकिन
जो एच आर टी है वो बोन और कार्डियोवेस्कुलर प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. लेकिन अगर हम जनरली उसकी हेल्थ देखें या हॉट फ्लशीज या जेनिटो यूरिनरी एट्रोफी से रिलेटेड, तो कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर अ बेटर चॉइस. सो अगेन इंडिविजुअलाइजेशन इज नीडेड टू कंसिडर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड द कार्डियोवेस्कुलर हेल्थ. अब इसमें जो बाकी जो बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज होती हैं या एंसिलरी मैनेजमेंट जो है वो दैट गो साइड बाय साइड, उसमें कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हैं और वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज हैं और विटामिन डी का यूज है. इसमें वंस द वी हैव स्टार्टेड विद द एचआरटी, उसमें उसकी मिनिमम जो एक अपॉइंटमेंट है पहले उसको हम आफ्टर 3 months देखते हैं, और अगर 3 महीने के बाद सब चीज़ें ठीक चल रही हैं तो फिर वंस अ ईयर इज एनफ. और अगर कोई साइड इफेक्ट हो, क्योंकि बाद दफ़ा एच आर टी यूज़ करने के बाद बहुत सारे इवन इरेगुलर ब्लीडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट के सिम्टम ना रिलीव हुए हों, और देयर आर सर्टन साइड इफेक्ट्स ऑफ द यूज़ ऑफ हॉर्मोन, तो फिर हम उसको 3 महीने के बाद देख लेंगे. 3 महीने काफ़ी होते हैं उसको रिव्यू करने के लिए. और उसके बाद फिर अगर हमने फर्ज किया उसकी डोज चेंज की है या हमने उसकी फॉर्मुलेशन चेंज की है, देन शी हैज़ टू विजिट आफ्टर अनदर 3 months. यानी फिर जब तक उसका वो सूटेबल ऑप्शन नहीं उसको एडजस्ट वो कर लेती, वी हैव टू रिव्यू हर केस आफ्टर एवरी 3 months. और फिर उसके बाद जो है वो बाकी जो ब्रेस्ट और सर्वाइकल स्क्रीनिंग है उसकी रूटीन की विजिट्स उसकी चलती रहेगी. अब व्हाट टू कंसीडर, जो हम बात कर रहे थे कि जब हमने इनिशिएट करनी है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी तो हमने क्या कंसीडर करना होता है, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके अपने हेल्थ कंसर्न्स, उसकी अपनी कोमॉर्बिडिटीज, उसके लाइफस्टाइल इश्यूज क्या हैं, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है या नहीं है, डाइट कैसी लेती है, ओबेसिटी कितनी है, स्मोकिंग है या नहीं है, कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स हैं या नहीं है. क्योंकि ये कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स का ये हम कह सकते हैं कि अब आफ्टर मीनोपॉज तो कॉन्ट्रासेप्टिव नीड्स जरूरत नहीं है, बट आफ्टर मीनोपॉज विद इन 1 year ऑफ मीनोपॉज कॉन्ट्रासेप्शन शुड बी यूज, जो कि एचआरटी काफ़ी होती है वो कॉन्ट्रासेप्शन के पर्पस के लिए उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि ओवेरियन एक्टिविटी इज टू इट्स मिनिमम रादर ऑलमोस्ट उसकी कम हो जाती है, मिनिमम हो जाती है आफ्टर मीनोपॉज. अब स्पेशल नीड्स क्या हैं, क्या उसको जेनिटल एट्रोफी के इशू हैं या उसको हॉट फ्लशीज हैं या सेक्सुअल डिसफंक्शंस हैं, और द मेन प्रॉब्लम इज ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि इस पे भी हमने उसकी रिजीम और उसकी डोज सेट करनी होगी. तो हम रिकमेंडेशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड फॉर एज लेस देन 60 years एंड द मीनोपॉज ऑनसेट विद इन 10 years. ये सबसे ज्यादा बेहतर टाइम पीरियड होता है टू स्टार्ट विद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी. और इसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का रिस्क कम होता है. कंसिडर विद कॉशन, अगर एज 60 years से ऊपर हो या मीनोपॉज हुए भी 10 साल हो चुके हों, या फिर मॉडरेट रिस्क हो ब्रेस्ट कैंसर का और कार्डियोवेस्कुलर डिजीज का, तो ये हम उसको जरा केयरफुली हम यूज करते हैं. फिर उसके बाद अवॉइड हम करेंगे अगर हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, या एज मोर देन 60 years है, मीनोपॉज 10 years, मोर देन 10 years, या फिर मॉडरेट रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड ये हमने बात कर ली कि उसका मॉडरेट टू हाई रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर एंड कार्डियोवेस्कुलर डिजीज. अब अगर यूट्रस इंटैक्ट है तो कंबाइंड पिल्स, अब ई का मतलब है ईस्ट्रोजन और पी का मतलब है प्रोजेस्ट्रॉन, क्या हम ट्रांसडर्मल पैच यूज कर सकते हैं या जेल भी यूज कर सकते हैं, और उसके साथ हम IUCD ये रख सकते हैं माइरीना. ओरल ईस्ट्रोजन प्लस ओरल प्रोजेस्ट्रोजन, या ओरल प्रोजेस्ट्रोजन की जगह माइरीना या टिबोलोन जो कि लिबियोल के नाम से आती है, एंड ईस्ट्रोजन प्लस सम, यानी इन दोनों को भी कंबाइन कर सकते हैं. और ये जो रिलॉक्सिफिन है जो ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर, तो ईस्ट्रोजन के साथ हम उसको भी यूज कर सकते हैं. फिर अगर और सेकेंड लाइन ऑप्शन में ईस्ट्रोजन इम्प्लांट, ईस्ट्रोजन सबक्यूटेनियस इम्प्लांट भी मिलते हैं, और उसके साथ आप फिर इसमें ये रख सकते हैं माइरीना रख सकते हैं या ओरल प्रोजेस्टेरोन भी यूज कर सकते हैं. अगर इस्ट्रेक्ट हो चुकी है तो नो. सॉरी मैम, मैम पोस्ट सिस्टेक्टमी अभी आपने बताया जो मैम एक मेरी पर्सनल क्वेश्चन आंटी है मेरी, उनका एज ऑलमोस्ट 47-48 होगी, हिस्टेरेक्टमी हुई है, हॉट फ्लशेस की कंप्लेंट ज्यादा है,
और बाकी कोई खास कंप्लेन नहीं है तो, हाँ और मैम इसमें अगर मुझे इनको देनी हो और कोई खास रिस्क फैक्टर नहीं है, हाँ बीएमआई भी ज्यादा नहीं है और ना हाइपरटेंशन ना डायबिटीज है, क्राउड पहले उनको था अब नहीं है, तो मैम इस तरह के केस में उनको लाइफ टाइम ईस्ट्रोजन बढ़ा। ओनली, इसमें देखो ईस्ट्रोजन ओनली अब हमारे यहाँ पे पैच भी मिलते हैं, ये हम आगे जाके डिफरेंट प्रिपरेशन को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप इसके टिबोलॉन भी यूज कर जो सकते हो। प्रिस्क्रिप्शन होता है ना वो बता, ये तो हम करते हैं ना एग्जाम पर्पज से, हाँ अगर जी, मेरा तो मैंने खुद प्रेस्क्राइब करनी हो उनको तो इसमें वो बेटा मैं। आप ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन, जो ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन है जो अभी इस वक्त मार्केट में है, वो प्रोगाइनोवा के नाम से होती है, जो कि एथिनाइल एस्ट्रेडायोल वेलिरेट है, ठीक है, जी उसमें जी 2 मिलीग्राम दो एस्ट्रेडायोल मिलीग्राम वेलिरेट है, तो वो आप मिनिमम डोज से शुरू कर सकते हो, जो यूजुअल मार्केट में अवेलेबल है दैट इज ऑफ 2 मिलीग्राम एस्ट्रेडायोल वेलिरेट, जो प्रोगाइनोवा में है, लेकिन यू शुड यूज इट इनिशियली, यू शुड स्टार्ट विद द लो डोज पिल्स जो कि 1 मिलीग्राम भी होती है, तो इसलिए आप इसमें ओरल ईस्ट्रोजन ओनली, देयर इज नो नीड टू कंबाइन विद द प्रोजेस्ट्रॉन, जी मैम। या फिर उसमें दूसरी तो दूसरी चीज ये है कि इसमें हॉट फ्लशेज वगैरह के लिए तो टिबोलोन इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव, जो लिबियॉल के नाम से है, एनी वे द बेटर चॉइस वुड बी यूजिंग प्रोगाइनोवा ओनली पिल्स 1 मिलीग्राम डेली। मैम, और फॉर हाउ लॉन्ग हम इनको ये, जब उनके सिम्टम्स रिलीव होते हैं तब छोड़ दें और इसमें या इसमें इनको? देखो मिनिमम 6 मंथ तो हम यूज करते हैं, बट अगेन एज वी आर डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन कि इसमें इंडिविजुअलाइजेशन होती है, जाहिर है हॉट फ्लशीज यूजुअली यूजुअली जो हॉट फ्लशीज हैं दीज सेटल विद इन 2 ईयर्स ऑफ द मीनोपॉज, चाहे वो सर्जिकल में जरा ज्यादा होते हैं, ज्यादा मतलब इंटेंसिटी इनकी होती है, बट यूजुअली इट सेटल्स विद इन 2 ईयर्स ऑफ द मीनोपॉज, बट समटाइम्स इट टेक 6 to 7 ईयर्स टू सेटल, तो इसलिए जितनी उसमें इंडिकेशन हो आप उसमें कर सकते हैं, एंड इफ यू फील, इसमें इनिशियली बार दफा ये भी होता है कि आप 1 मिलीग्राम के साथ तो इसमें करें, लेकिन आप इसको 1 मिलीग्राम ऑल्टरनेट डे पे भी कर सकते हैं, ठीक बिकॉज है मैम। इसमें जैसे आप कह रहे हो कि ओबेसिटी नहीं है या कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है जो कि उसमें वो बन सकता है, तो इस वजह से इसमें रूल ये होता है कि आप इसको मिनिमम डोज से शुरू करें, नहीं सेटल होता 1 मिलीग्राम आप डेली कर दें, उससे भी नहीं सेटल होता तो 2 मिलीग्राम डेली कर दें, ठीक लेकिन है हर पेशेंट का एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्स होता है, तो हो सकता है पेशेंट मिनिमम डोज पे ही ज्यादा बेहतर उसको रिस्पॉन्स करे, तो इस वजह से इसमें आप ये प्रोगाइनोवा शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू अच्छा जी, ये मैम। पोस्ट हिस्टेक्टमी की हम बात कर रहे थे कि ओरल टिबोलोन, ये तो हमने अभी बात कर दी, और सेकेंड लाइन ऑप्शन में ईस्ट्रोजन इम्प्लांट, ईस्ट्रोजन इम्प्लांट्स आर इन द मार्केट नाउ, और उसमें पेशेंट की कंप्लायंस वाला इश्यू भी नहीं रहता, और उसमें जो उसका लिवर बाईपास वाला इफेक्ट है वो भी अचीव हो जाता है, उसमें फिर उसके जो जो है उसके जो बाकी साइड इफेक्ट्स हैं वो भी उसमें मिनिमाइज हो जाते हैं, बिकॉज ईस्ट्रोजन डज इफेक्ट द लिवर फंक्शन, उसमें कोलिस्टेसिस वगैरह की चीजें, ये सब चीजें हो सकती हैं। अच्छा, वेसो मोटर सिम्टम्स की जो अभी हम बात कर रहे थे, जो डॉक्टर साहब भी बात कर रही थी, कि ऑन एवरेज लास्ट फॉर 7.4 ईयर्स, लेकिन यूजुअली ये सेटल हो जाते हैं विद इन, ज्यादातर में तकरीबन आप समझ लो कि 60-70% में ये विद इन 2 ईयर्स सेटल हो जाते हैं। ईस्ट्रोजन रिड्यूसेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिम्टम्स बाय 75% और इंटेंसिटी बाय 87%, और एचआरटी नीड जो है वो 6 to, यानी एचआरटी जब आप शुरू करते हो तो 6 to 8 वीक्स उसको लगते हैं टू रीच देयर मैक्सिमम इफेक्ट, और जब आप ट्रीटमेंट डिसकॉन्टिन्यू करते हैं द प्रॉब्लम रिटर्न्स इन अबाउट 50%, लेकिन बाकी 50% में परमानेंटली रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन इसमें 50% में दोबारा से होने के चांसेस होते हैं, बट यू कैन रीस्टार्ट इट। अब भी कोई भी एचआरटी, कोई भी, चाहे वो ईस्ट्रोजन हो ओनली हो या आपने उसको कॉम्बिनेशन थेरेपी में देना है, सर्टन बेसलाइन टेस्ट करने जरूरी होते हैं, और खास तौर पे उन पेशेंट में जो 50 ईयर्स या अबव हो, लेकिन ज्यादा बेहतर ये होता है कि जिनमें रिस्क फैक्टर हो आप उसमें हर एज पे शुरू करने से पहले इसको जरूर कर लें। लिपिड प्रोफाइल इज अ मस्ट, मेमोग्राम इज अ मस्ट, अल्ट्रासाउंड मतलब जिनमें हिस्टेक्टमी नहीं हुई हुई उनमें एंडोमेट्रियल थिकनेस और ओवेरियन वॉल्यूम को भी आप जरूर देखें, माइक को म्यूट कर दें प्लीज। फिर ब्लड शुगर लेवल्स, सर्वाइकल स्मेयर, तो ये तो रूटीन की चीजें हैं, मेमोग्राम है या सर्वाइकल स्मेयर है ये रूटीन की स्क्रीनिंग है,
इसी तरह थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आरएफटीज एंड एलएफटीज ये सब चीजें हमने करनी होती है खासतौर पे 50 इयर्स से अबव। लेकिन जो मिनिमम चीजें हैं जो मिनिमम वो लिपिड प्रोफाइल मेमोग्राम और एंडोमेट्रियल थिकनेस है जो कि जरूरी है करनी हर एचआरटी से पहले। अब ये जो यूजुअल जो हम बात बार बार कर रहे थे कि मॉडरेट टू हाई डोज या लो डोज, तो इसमें डिफरेंट प्रेपरेशंस की जो ईस्ट्रोजन है फिर या कॉम्बिनेशन है उसमें प्रोजेस्टेरोन की कॉम्बिनेशन में किस डोज में होती है। अब जो यूजुअली जो कॉन्जुगेटेड क्वाइन ईस्ट्रोजन यानी जो प्रेमरीन के नाम से आपको पता है, तो उसमें जो लो डोज पिल हैं अब 0.375 मिलीग्राम की भी अवेलेबल हैं और 0.45 मिलीग्राम की भी अवेलेबल हैं। यानी जिसमें ईस्ट्रोजन देना बहुत ज़रूरी हो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन अ वेरी लो डोज। ठीक है, तो ये भी जो डॉक्टर साहब हमसे बात कर रही थी उसमें प्रेमरीन इज़ अनदर चॉइस। तो इसमें प्रोगाइनोवा का बहुत क्विक इफेक्ट होता है और इसमें जो कॉन्जुगेटेड क्वाइन ईस्ट्रोजन है इसमें कम इफेक्ट होता है, इसमें थोड़ा सा बाद में ज़रा थोड़ा लंबा टाइम लगता है इफेक्ट होने में। और मॉडरेट डोज है इसकी 0.625 जिस फॉर्मुलेशन में हमें ज़्यादातर अवेलेबल होती है और जिस फॉर्मुलेशन जिस डोज का हमें ज़्यादा पता है और जिसमें हम यूज़ कर रहे होते हैं। हाई डोज है जब इसको 1.25 मिलीग्राम में आप करें, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह की प्रिवेंशन के लिए करना है तो उसमें मॉडरेट टू हाई डोज में हम यूज़ करते हैं। फिर 17-beta-estradiol ये इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है एंड इट इज अवेलेबल इन 0.5-1 मिलीग्राम, 1.5-2 मिलीग्राम मॉडरेट डोज है, 2 मिलीग्राम इज हाई डोज। यूजुअली जो मॉडरेट टू हाई डोज है वो तकरीबन इसको हम कंबाइन करके मॉडरेट टू हाई डोज तकरीबन अमूमन हम एक ही उसमें कंसिडर कर रहे होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फर्क इसमें नहीं होता। अब एस्ट्राडियोल वैलिडेट है 0.5 मिलीग्राम है और 1 मिलीग्राम और 2 मिलीग्राम की डोजेज में अवेलेबल है। जो ट्रांसडर्मल पैचेस हैं वो उसकी आगे से डिफरेंट प्रेपरेशन हैं और ये 50 माइक्रोग्राम ज़्यादातर 50 माइक्रोग्राम वाला ही यूज़ होता है। और ये जो जेल फॉर्म में है उसमें 0.5 से 1 और 1.5 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं जो प्रोजेस्टोजेंस हैं। ये अब इस ऊपर इसमें है लो डोज के साथ कितनी डोज हमने प्रोजेस्टोजन की यूज करनी है, यानी इसमें ये लिखा हुआ है कि सिक्वेंशियल पिल्स, यानी जो हमने पहले ईस्ट्रोजन यूज की और उसके बाद हमने प्रोजेस्टोजन कंबाइन की। अब ये है 14 डेज पर मंथ उसमें लोएस्ट सेफ डोज विद, यानी लो डोज ईस्ट्रोजन अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें डाइड्रोजेस्टेरोन 5 मिलीग्राम यूज करेंगे। इसी तरह अगर हम मॉडरेट टू हाई डोज यूज कर रहे हैं तो डाइड्रोजेस्टेरोन 10 मिलीग्राम यूज करेंगे। अब माइक्रोनाइजाइड प्रोजेस्टोजन इज द बेस्ट ऑफ ऑल प्रोजेस्टोजन प्रोजेस्टेरोन, इसमें 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम की फॉर्मुलेशन है। तो जितनी आप ईस्ट्रोजन यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपने प्रोजेस्टेरोन भी यूज करनी है। फिर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, दिस इज ऑल्सो इन द फॉर्मुलेशन ऑफ मैनी प्रेपरेशन और इसमें 5 और 10 मिलीग्राम तक की प्रेपरेशन है। और नॉरेथिस्टोन एसिटेट में 1.25 से लेके 2.5 तक की फॉर्मुलेशन अवेलेबल होती है। अब ये थी सिक्वेंशियल, यानी सिक्वेंशियल का मतलब ये है कि ईस्ट्रोजन आपने इतनी यूज की पर डे और उसके बाद आखिरी 14 दिन जो है वो आपने पर मंथ ये आपने यूज कर दी, ये सिक्वेंशियल है। क्या आप में से किसी को पता है सिक्वेंशियल और कंटीन्यूअस में क्या फर्क है? मैम एलएमपी लेस देन 1 ईयर हो तो फिर सिक्वेंशियल देते हैं और ना हो तो फिर नियर टू आफ्टर मेनोपॉज है वो फिर कंटीन्यूअस देते हैं मैडम। ठीक है, लेकिन इसमें फर्क क्या होता है? साइक्लिकल उसको सिक्वेंशियल देते हैं जिसमें ब्लीडिंग रिक्वायर्ड होती है, जिसमें नहीं होती उसमें कंटीन्यूअस मैडम। ठीक है चलें, अब हम करते हैं बात कंटीन्यूअस की। ठीक है, इसमें कंटीन्यूअस में जो है वो डोज वही रहेगी ईस्ट्रोजन की, लेकिन ये था सिक्वेंशियल के साथ, यानी ये वाली इज कंसिडर्ड एज ए स्टैंडर्ड फॉर्मुलेशन ईस्ट्रोजन की यही रहेगी। लेकिन अगर हमने सिक्वेंशियल में यूज करना है तो फिर इसकी डोज ये होगी, और अगर हमने कॉन्टीन्यूस में करना है जिसमें पहली टेबलेट से ही लेकर आखिरी टेबलेट तक हर एक में एक
मिलीग्राम की डोज होगी हर टेबलेट में, चाहे एस्ट्रोजन कितने भी मिकदार में हो। और मैडम मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिडेट का वही डोज है, नॉरेथिस्टोन का भी वही डोज है। अब जब लिवर ये माइरिना जब हम रखते हैं तो उसमें डिवाइस रिलीज करती है 20 माइक्रोग्राम पर 24 आवर्स, विच इज इट्स डेली डोज। टिबोलोन की जो डोज है वो 2.5 मिलीग्राम डेली, दिस इज कॉन्टिन्यूस, यानी इसमें कोई पिल फ्री वो इंटरवल नहीं है। और ईस्ट्रोजन एंड सर्म थेरेपी, यानी जहाँ पे आपने रिलॉक्सीफेन के साथ कंबाइन कर दिया तो उसमें कॉन्जुगेटेड इक्विन ईस्ट्रोजन 0.45 और उसमें बेजीडॉक्सीफेन, इसमें जब कॉम्बिनेशन होती है तो रिलॉक्सीफेन की बजाय बेजीडॉक्सीफेन, विच इज वन ऑफ द सर्म, इसमें सर्म में और भी बहुत सारी प्रेपरेशन हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन रिलॉक्सीफेन के नाम से आपको सबको पता है कि रिलॉक्सीफेन अवेलेबल है इविस्टा के नाम से, और बेजीडॉक्सीफेन है जब ये कंबाइन कर दें हम ईस्ट्रोजन के साथ तो ये 20 माइक्रो मिलीग्राम डेली। अब रिजीम्स ये हैं, तो इसमें अगर हमने विद इन वन ईयर ऑफ मीनोपॉज शुरू करना हो तो हम सिक्वेंशियल रिजीम देते हैं, यानी कॉन्टिन्यूस ईस्ट्रोजन विद प्रोजेस्टेरोन फॉर 12 टू 14 डेज पर मंथ। अब इसमें दो चीजें हैं, सिक्वेंशियल में भी दो चीजें हैं, यानी एक तो सिक्वेंशियल ये है कि आप ईस्ट्रोजन भी दें 3 हफ्ते के लिए और आखिरी 12 से 14 दिन कंबाइन कर दें प्रोजेस्टेरोन के साथ, ये है कॉन्टिन्यूस, ये है सिक्वेंशियल रिजीम, सिक्वेंशियल साइक्लिकल रिजीम। दूसरी चीज है सिक्वेंशियल कॉन्टिन्यूस रिजीम, यानी उसमें ये होगा कि ईस्ट्रोजन टू बी गिवन एवरी डे ऑफ द साइकिल, यानी उसमें कोई ब्रेक नहीं है, यानी 4 हफ्ते आपने ईस्ट्रोजन दी और आखिरी जो 12 से 14 दिन थे वो आपने प्रोजेस्टेरोन कंबाइन कर दी। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि इसमें अगर हम ईस्ट्रोजन बंद नहीं कर रहे तो हाउ शी विल ब्लीड, इसमें ब्लीड फिर भी हो सकता है। इसके दो फायदे होते हैं, वो ये फायदा होता है कि कम अज कम जिस पर्पज के लिए आप ईस्ट्रोजन दे रहे हैं वो पर्पज सर्व होता रहेगा, अदरवाइज व्हेन देयर इज एन ईस्ट्रोजन पिल फ्री इंटरवल, यानी 3 हफ्ते देने के बाद 1 हफ्ता जो बंद कर दिया आपने उसमें पेशेंट के सिम्टम्स रिकर कर सकते हैं, एंड द पेशेंट विल स्टिल ब्लीड व्हेन देयर विल बी प्रोजेस्टेरोन विदड्रॉल, यानी प्रोजेस्टेरोन आपने 12 से 14 दिन के लिए दी और उसके बाद छोड़ दी, तो जब ये छोड़ा जाएगा तो इवन डिस्पाइट द पेशेंट टेकिंग ईस्ट्रोजन पिल्स द पेशेंट विल ब्लीड, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन विथड्रॉल होगा, दो इट विल बी लेस इन अमाउंट। तो उसमें जो पर्पस ऑफ ट्रीटिंग द बेसिक इंडिकेशन, या जैसे हॉट फ्लशेस को ही हम ले लेते हैं तो उसमें सिम्टम्स उसके रिकर नहीं करेंगे, ये उन पेशेंट्स में है जिनमें खास तौर पे जो है वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा सीवियर होते हैं। इफ एचआरटी इज स्टार्टेड आफ्टर 1 ईयर ऑफ मीनोपॉज, ब्लीड फ्री रिजीम्स कैन बी गिवन फ्रॉम द आउटसेट, यानी फिर आप उसको कंटिन्यूस में दे, या उसमें जो बहुत इनफ्रीक्वेंट ब्लीड्स हैं यानी साल में 3 या 4 दफा, आप उस रिजीम को भी फॉलो कर सकते हैं। आफ्टर अ मिनिमम 1 ईयर ऑफ एचआरटी और आफ्टर 1 ईयर ऑफ मीनोपॉज, 2 ईयर्स इन प्री मेच्योर ओवेरियन इनसफिशियंसी, यानी प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर में ये टाइम मार्जिन 2 साल होता है, पेशेंट कैन बी गिवन कॉन्टिन्यूस कंबाइंड रिजीम टू अवॉइड अ मंथली ब्लीड, एरेटिक स्मॉल ब्लीड्स में स्टिल अकर, यानी 1 साल एचआरटी देने के बाद, ये वही चीज है जो इसके साथ है कि पहले 1 साल में आपने सिक्वेंशियल देनी है और उसके बाद फिर आप 1 साल के बाद आप इसको कंटिन्यूस पे ले जा सकते हो। और लेकिन अगर पेशेंट को प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हुआ है तो उसमें 2 साल का इंतजार करना जरूरी होगा, 2 साल के लिए उसको सिक्वेंशियल रिजीम हम देंगे, और इसमें जो है वो फिर उस पर, लेकिन उसके बावजूद भी कभी कभार थोड़ा बहुत विड्रॉल ब्लीडिंग उसमें हो सकती है। अगर तो पेशेंट को सिक्वेंशियल रिजीम के साथ हैवी ब्लीडिंग होती है तो डोज ऑफ प्रोजेस्टेरोन बढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन की डोज पे हमने करना होता है, ईस्ट्रोजन की डोज चेंज नहीं होती। अगर साइन सिम्टम्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन यानी फ्लूइड रिटेंशन, मूड, ये सारी चीजें जो प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड होती हैं तो हम डोज को रिड्यूस कर देंगे और ड्यूरेशन को भी रिड्यूस कर देंगे, यानी 12 से 14 दिन के बजाय हम 7 से 10 दिन भी कर सकते हैं, तो उसको हमने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है, यही फॉलो अप विजिट का फायदा होता है।
ड्रॉ स्पेरिनॉन यानी स्पायरोनो इलेक्ट्रॉन एनालॉग जो कि गैस में होता है, हैज एंटी एंड्रोजेनिक एंड एंटी मिनरलोकॉर्टिकॉइड प्रॉपर्टीज. सो इट इज इनकॉर्पोरेटेड विद लो डोज एस्ट्रोजन इन कॉन्टिन्यूस कंबाइंड फॉर्मूला. इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद एलोयन, यानी इसकी ये वाली जो चीज है, फिर ये एलोयन के नाम से जो एक ड्रग है वो इसको गैस तो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए हम करते हैं, अगर हम एचआरटी में भी कर सकते हैं when this thing is not available. लेकिन इसका इसकी ये जो preparations है खास तौर पे meant for the HRT वो एलोयन है. फिर routes and regimes की पे हम आ जाते हैं. इसमें transdermal है, gels और patches मिलते हैं, subcutaneous implants हैं, estrogen progesterone का तो आपको पता ही है और estrogen is another modification. low dose vaginal estrogen creams हैं, rings हैं और pastilles हैं. myrina है, progesterone pastilles हैं. कंबाइंड एच आर टी है कॉन्टीन्यूस या सिक्वेंशियल, वो अल्ट्रा लो डोज कंबाइंड एच आर टी जिसमें 20 माइक्रोग्राम या इवन बाद दफा की 15-10 माइक्रोग्राम की प्रेपरेशन में भी होता है, और एच आर टी स्प्रे यानी स्प्रे की फॉर्म में भी होता है जो डेली इस्तेमाल करना होता है. तो इसको हम ये देख लेते हैं कि कॉन्टीन्यूस ईस्ट्रोजन हम दे रहे हैं, नो ब्रेक. फिर कॉन्टीन्यूस सिक्वेंशियल है कि जिसमें ईस्ट्रोजन मुस्तकिल दी जा रही है और इसमें प्रोजेस्टोन आखिरी 14 दिन में कंबाइन कर रहे हैं. कॉन्टीन्यूस कंबाइंड है जो मुस्तकिल हम दे रहे हैं, उस पर कहीं कोई ब्रेक नहीं है. अब यही जो सिक्वेंशियल साइक्लिकल अगर हो तो यहाँ पे आके 3 हफ्ते के बाद एक ब्रेक आ जाएगा बिटवीन बोथ ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोन. लेकिन फर्स्ट ईयर में ये ज्यादा एप्लीकेबल है, आफ्टर 1 ईयर ये ज्यादा एप्लीकेबल है अगर यूट्रस इंटैक्ट है, और अगर यूट्रस नहीं है तो फिर आप कॉन्टिन्यूस ईस्ट्रोजन दे दें उसको, क्योंकि फिर तो 1 ईयर है या 1 ईयर आफ्टर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता इन हिस्टेक्टोमाइज्ड पेशेंट्स. अब जो ये भी इसका एक थोड़ा सा बेसिकली इसको थोड़ा सा टेबलेटेड फॉर्म में है. साइक्लिकल में ईस्ट्रोजन डे 1 to 25 और प्रोजेस्टेरोन लास्ट 10 to 14 days ऑफ ये जो है वो साइकिल में. साइक्लिकल कंबाइंड यानी इसमें दोनों ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों हम मुस्तकिल दे रहे हैं. कॉन्टिन्यूस साइक्लिकल ये डेली है, कोई ब्रेक नहीं है, और ये हर महीने के 10 से 14 दिन आखिरी दिनों में हम देते हैं. कॉन्टिन्यूस लॉन्ग साइकिल डेली हम देंगे और 14 days आफ्टर एवरी 3 to 6 months, यानी ये हमारी मर्जी है या पेशेंट की विश है या अकॉर्डिंग टू इंडिकेशन हम इसमें इसको 3 to 6 months के बाद ब्लीड करवाएं. कॉन्टिन्यूस कंबाइंड ये भी डेली और टिबोलोन तो देते ही डेली. अब जब सबसे ज्यादा जो कांस्टेंट लेवल है वो बेसिकली इम्प्लांट्स के साथ होते हैं, और इम्प्लांट्स ईस्ट्रोजन के भी इम्प्लांट्स हैं और प्रोजेस्टेरोन के भी इम्प्लांट्स हैं. पैच जो है वो आपको हर हफ्ते में 2 दफा बदलना पड़ता है 15 मिलीग्राम वाला. तो ये पैच जो है हफ्ते में 2 दफा बदलना पड़ता है. इम्प्लांट इज फॉर सम टाइम पीरियड, वो डिफरेंट प्रेपरेशन के हिसाब से डिफरेंट है. ओरल जो है वो 24 आवर्स में इसके लेवल ऊपर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, ऊपर जाते हैं नीचे आते हैं. इसीलिए इसमें भी ये रूल है कि आपने अगर ओरल प्रेपरेशन पे पेशेंट है तो उसको कॉन्टिन्यूसली एक ही टाइम पे ले रोजाना, उसमें ब्रेक ना करें, मतलब 2 घंटे से ज्यादा का इसमें गैप नहीं होना चाहिए. अब हाउ टू स्टॉप इट, अब इसमें एचआरटी को स्टॉप कैसे करना, इसमें बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है जो हमें इसके बारे में गाइड करें, लेकिन जनरल रूल ये है. जी हाँ जी, फॉर विमेन विद अ यूट्रस यूजिंग एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन थेरेपी, जिस पेशेंट में यूट्रस इंटैक्ट है, स्लोली डिक्रीज द डोज विद द गोल ऑफ स्टॉपिंग आफ्टर 4 to 5 years ऑफ यूज, यानी कम से कम 5 साल यूज करें. व्हेन द ब्रेस्ट कैंसर रिस्क इंक्रीजेस स्लाइटली, 5 साल के बाद थोड़ा सा वो स्लाइटली बढ़ना शुरू हो जाता है. तो कॉम्बिनेशन थेरेपी की मैं बात कर रही हूँ, और ये है जिनमें यूट्रस इंटैक्ट है. अगर हिस्टेक्टमी हुई हुई है तो यूजिंग ईस्ट्रोजन अलोन ब्रेस्ट कैंसर रिस्क डज नॉट इंक्रीज मच इवन आफ्टर 7 years, यानी जो कॉम्बिनेशन पिल थी उसके साथ 4 to 5 years के बाद भी हमें ग्रेजुअली स्टॉप करना पड़ेगा. तो लेकिन जो हिस्टेक्टोमाइज्ड पेशेंट है उसमें ईस्ट्रोजन अनॉन प्रेपरेशन में प्रोलॉन्ग्ड यूज इज एक्सेप्टेबल, क्योंकि जो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क है वो आफ्टर 7 years भी इतना बहुत नहीं बढ़ता. लेकिन हमने जो टाइम टू टाइम उसमें मेमोग्राम करवाना है आफ्टर एवरी 3 years, दैट इज अ मस्ट.
यानी जो रूटीन का फॉलोअप है वो जरूरी हो जाता है। अब एंड्रोजन्स भी बार दफा इस्तेमाल होते हैं और इनकी ज्यादा इंडिकेशंस होती है फॉर लॉस ऑफ लिबिडो, जहां पे सेक्सुअल डिसफंक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं और उससे रिलेटेड साइकोलॉजिकल इश्यूज। टेस्टोस्टेरोन प्रेपरेशन है और ये इम्प्लांट्स की सूरत में भी आती है, यानी टेस्टोस्टेरोन पैलेट्स हैं जो इसमें की जा सकती हैं। टिबोलोन भी इसको किसी हद तक जो है वो इस चीज को मैनेज करता है। सो एज द टेस्टोस्टेरोन इम्प्लांट्स आर नॉट अवेलेबल इन आवर कंट्री, तो इस वजह से टिबोलोन इस पर्पस के लिए खास तौर पे सूटेबल है। तो जिन पेशेंट में ये वाला प्रॉब्लम हो वहां पे आप लिपियोल को प्रेफरेबली यूज करें। सो दिस इज अगेन अकॉर्डिंग टू द इंडिकेशन कि हमने कौन सी टाइप यूज करनी है। DHEA भी इस पर्पस के लिए बार दफा क्लेम किया जाता है टू बी यूज, लेकिन इसमें फर्दर स्टडीज की जरूरत है। अब जो अल्टरनेटिव्स हैं उसमें डिफरेंट फाइटोइस्ट्रोजन्स हैं और हर्बल प्रेपरेशंस हैं, लेकिन जो एविडेंस बेस्ड हैं इसमें ट्रीटमेंट्स हैं उसमें जो जो साइकेट्रिक में जो पेशेंट्स के लिए जो एंटी साइकोटिक या एंटी डिप्रेसेंट मेडिसन है, SSRI है या SNRI है, वो लो डोज में हम यूज कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा जो यूज होती है वो है पेरोक्सिटिन। ठीक है, ये इसमें और ये खास तौर पे हॉट फ्लचिस के लिए ये सारी चीजें हैं जो ज्यादातर यूज हो सकती हैं एंटी साइकोटिक मेडिसिन। क्लोनिडिन दो इट इज एन एंटी हाइपरटेंसिव, लेकिन हॉट फ्लचिस के लिए ये भी यूज हो सकती है 100 माइक्रोग्राम डेली 2 to 3 times a day। गैबापेंटिन है 300 to 900 mg डेली है, और बाकी हिप्नोसिस, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, वेट ओबीज पेशेंट अपने वेट लॉस करें, और बाकी जो स्वेयर रेजिस्टेंट वेजोमोटर सिम्टम्स हैं उनमें स्टेलेट गैंग्लियन ब्लॉकेट भी है। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो हम यूजुअली हम कर नहीं रहे होते, लेकिन कम अज कम इसकी हद तक ये जो एंटी साइकोटिक मेडिसन हैं, ये एंटी डिप्रेशन सॉरी मेडिसन हैं, इसमें हम पेरोक्सिटिन बार दफा यूज कर सकते हैं। और बाकी चीजों में तो आपको पता ही है कि वेट बेरिंग एक्सरसाइजेज है, हेल्दी डाइट है, और कैफीन इनटेक को स्पाइसी फूड को रिड्यूस करना होता है, स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करना होता है, एंड फॉर कोइटल डिफिकल्टीज वजाइनल लुब्रिकेंट या मॉइस्चराइजर भी यूज हो सकते हैं, और कैल्शियम और विटामिन डी का इस्तेमाल वगैरह। अब इसमें जो अब थोड़ा सा जो प्रेपरेशन से रिलेटेड बहुत सारे इफ एंड बट्स होते हैं कि कौन सी चीज किसमें क्या है और क्या नहीं है, ये वाली चीजें भी हैं जो थोड़ा सा इसमें मेरा ख्याल कवर करने की जरूरत है। तो इसमें प्रेमरीन में है कॉन्जुगेटेड इक्वाइन ईस्ट्रोजन, ये भी बेसिकली ये कॉन्ट्रासेप्शन पर्पस के लिए तो नहीं होती, ये मतलब ये वो है जो नेचुरल ईस्ट्रोजन की तरह से कंसिडर होती है। तो इसकी डिफरेंट डोजेस हमने कर ली डिस्कस, और इसको कॉन्टिन्यूसली यूज करना होता है, और इसको कंबाइन नहीं करना प्रोजेस्टेरोन के साथ अगर पेशेंट हैज हैड हिस्टेरेक्टमी। और इसके बाद प्रोगाइनोवा है, एस्ट्राडियोल वैलिडेट, ये भी हमने अभी डिस्कस कर लिया था, ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन है। सो दीज टू आर द ईस्ट्रोजन ओनली प्रेपरेशन। प्रेमरीन की गोली बार दफा अवेलेबल नहीं होती, प्रोगाइनोवा की गोली ज्यादातर अवेलेबल होती है, उसमें मसला नहीं। ईस्ट्रिनोर इज अ कॉम्बिनेशन थेरेपी जिसमें एस्ट्राडियोल वैलिडेट है और साथ नॉरजेस्ट्रोल है। ज्यादातर जो प्रेपरेशन हैं HRT की उनमें एस्ट्राडियोल वैलिडेट ही होता है, क्योंकि इसकी जो बायो पोटेंशियलिटी है या बायो अवेलेबिलिटी है एज कम्पेयर टू द एथिनाइल एस्ट्राडियोल यूज इन द कॉन्ट्रासेप्टिव तकरीबन 10 times कम होती है। तो एस्ट्राडियोल वैलिडेट इसमें अगेन 2 mg, ज्यादातर HRT में होता ही 2 mg है, और नॉरजेस्ट्रोल 0.5 mg, ये 21 tablets होती हैं और 1 week इसमें ऑफ होता है। और ये साइकिल रेगुलेशन के लिए भी, यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम पेरीमेनोपॉजल साइकिल इरेगुलरिटी के लिए भी यूज करते हैं आफ्टर रूलिंग आउट एनी अदर पैथोलॉजी। फिर उसके बाद फेमोस्टोन है, फेमोस्टोन जो है वो डिफरेंट बेसिकली स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, और ये 1 tablet डेली विदाउट अ ब्रेक, यानी ये कॉन्टिन्यूसली हमने यूज करनी है 28 tablets। ये भी 21 tablets हैं, लेकिन ये 28 tablets हैं। इसमें 2x10 mg वाली भी प्रेपरेशन होती है जिसमें एस्ट्राडियोल हेमीहाइड्रेट है 2 mg और डाइड्रोजेस्ट्रॉन है 10 mg, डाइड्रोजेस्ट्रॉन की 3rd generation प्रोजेस्ट्रोजन, सो हैविंग लेस साइड इफेक्ट्स। तो इसमें जो है वो, और दूसरा 1x10 mg, यानी इसमें
estrogen ki miqdar humne kam kar di. So if the patient is having moderate vasomotor symptom, to usme ye wali preparation zyada behtar rahegi. इसके अलावा फेमोस्टोन पॉन्टी के नाम से भी आती है, जिसमें बहुत लो डोज है, तो जिनमें कोई रिस्क फैक्टर्स हो रिलेटेड विद द ईस्ट्रोजन, तो वहाँ पे 0.5 मिलीग्राम वाली हम यूज कर सकते हैं. और 2.5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम वाला ये होगा डाइड्रोजेस्ट्रॉन, यानी इसमें दोनों की डोजेस कम है. हॉट फ्लशेस और बाकी मेनोपॉजल सिम्टम के लिए इसको यूज किया जा सकता है. तो ये डिफरेंट इसकी प्रेपरेशन है. प्रोगैलेटोन जो हम बड़ा कॉमनली यूज करते हैं फॉर द साइकिल रेगुलेशन, ये भी 21 टेबलेट्स हैं. इसमें भी एस्ट्राडियोल वैलिडेट है, जिसमें देख लें ये वाइट पिल्स जो हैं वो हमेशा अमूमन एस्ट्रोजन की ही होती है. तो इसमें एस्ट्राडियोल वैलिडेट है 2 मिलीग्राम, और रेड टेबलेट जो है उसमें एस्ट्राडियोल वैलिडेट 2 मिलीग्राम और नॉर्थ जेस्ट्रल है सेकेंड जनरेशन प्रोजेस्ट्रोजन 0.5 मिलीग्राम. सो फॉर यूज फॉर द साइकिल रेगुलेशन. और उसके बाद जो क्लाइमेन है, क्लाइमेन भी बहुत कॉमनली यूज होती है. इसमें सिक्वेंशियल ये 21 में और 28 दोनों में होती है. तो 21 की जो है 21 टेबलेट्स वाली है, इसमें ये सिक्वेंशियल कंबाइंड पिल है. वाइट में एस्ट्राडियोल वैलिडेट और पिंक टेबलेट में एस्ट्राडियोल वैलिडेट प्लस सिप्रोटिडोन एसिटेट, यानी ये जहाँ पे कोई हिर्सुटिज्म वगैरह का है या हॉट फ्लशेस के लिए भी ये यूज हो सकती है. सिप्रोटिडोन एसिटेट में एक्ने हिर्सुटिज्म वाली चीजें वो हों तो उनके लिए ये ज्यादा प्रेफरेबल है, और हॉट फ्लशेस और ऑस्टियोपोरोसिस के लिए ये यूज होती है. कॉन्टीन्यूस कंबाइंड जिसमें ये 28 पिल्स हैं. वाइट पिल्स में एस्ट्राडियोल वैलिडेट 16 टेबलेट और पिंक टेबलेट में एस्ट्राडियोल वैलिडेट प्लस सिप्रोटिडोन एसिटेट 1 मिलीग्राम. ये खासतौर पर 28 पिल जो कॉन्टीन्यूस है, इसमें जब जहाँ पे एक्ने हिर्सुटिज्म का प्रॉब्लम ज्यादा हो और हॉट फ्लशेस भी ज्यादा हो, तो वहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिशियल इफेक्ट देने के लिए फिर ये 28 टेबलेट वाला पैक यूज करते हैं. अब जो हम बात कर रहे थे साम या इवेस्टा की या रिलॉक्सिफेन जो है, इसमें इस ईच टेबलेट कॉन्टेन 60 मिलीग्राम टू बी टेकन डेली, और ये डेली होता है विदाउट एनी ब्रेक. यूज टू एक्सपेंसिव मेडिसन है. Used to treat and prevent bone loss. ये खास तौर पे selective estrogen receptor modulator जो हैं ये खास तौर पे estrogen receptors को ये करता है trigger, और ये prevent करता है bone loss को. तो खास तौर पे जहाँ पे osteoporosis का issue हो और जहाँ पे कोई बाकी contraindications हो for progesterone therapy या उसमें tolerate ना कर सकते patient progesterone, क्योंकि उसके side effects ज़्यादा होते हैं, तो वहां पे आप इसको इविस्टा को दे सकते हैं. इट डज नॉट रिलीव द हॉट फ्लशेस, क्योंकि ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन, ये उस तरह से ईस्ट्रोजन वो नहीं है, बल्कि ये सिलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है. हैज प्रोटेक्टिव इफेक्ट अगेंस्ट ब्रेस्ट, सीए एंड हार्ट डिजीज. कैन प्री डिस्पोज टू डीबीटी हाउएवर. तो ये इसका जो है वो एक साइड इफेक्ट है, और ये खास तौर पे ये ऑस्टियोपोरोसिस वाले जहां पे हों और जहां पे पेशेंट को फर्ज किया ब्रेस्ट सीए हो चुका है या फैमिली हिस्ट्री है या उसको कोई प्रॉब्लम है या रिस्क फैक्टर्स मौजूद हैं या हार्ट कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ इश्यूज हैं, तो वहाँ पे ये एक प्रेफरेबल मेडिसिन टू बी यूज्ड. अब जो हम बात कर रहे थे कॉम्बिनेशन ऑफ द ईस्ट्रोजन एंड कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन एंड साम्स, वो उसमें ये वाली चीज है जो कि अब अवेलेबल है, और इसके भी साइड इफेक्ट कम से कम है. इसमें खास तौर पे जो ब्रेस्ट सीए वाले भी पेशेंट हैं जिनमें प्रॉब्लम हो ऑस्टियोपोरोसिस के, तो वहाँ पे भी हम ये कर सकते हैं यूज बेजोडेक्सिफिन, और इसके साथ कंबाइंड है कॉन्जुगेटेड ईस्ट्रोजन. तो ये साम से रिलेटेड है, इसमें ये बाकी डिफरेंट नहीं है. ये दो तो हमने डिस्कस कर ली, सॉरी ये रिलॉक्सिफेन और ये वाली. लेकिन टेमोक्सिफेन वो चीज है जो बेसिकली ब्रेस्ट सीए के लिए यूज भी होती है, बट इट हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम, यानी एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन कर सकता है. तो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन का जो इफेक्ट है वो बेसिकली एक अनवांटेड इफेक्ट होता है. तो टेमोक्सिफेन इस लिहाज से एक बेहतर मेडिसिन नहीं है, लेकिन फॉर सम रीजन टेमोक्सिफेन जाहिर है एक एचआरटी तो है. अगर पेशेंट की कोई सर्जरी हुई हो उसमें जो है ब्रेस्ट सीए से रिलेटेड या कोई ब्रेस्ट
पैथोलॉजी है और उसमें टेमोक्सिफेन उसको मिली है तो वो एच आर टी के तौर पे तो काम कर सकती है, बट फॉर दैट वी हैव टू कंसिडर अबाउट द एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन। तो एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन इसमें फिर होगी कि अलॉन्ग विद टेमोक्सिफेन यू यूज माइरीना, माइरीना को फिर आप इंसर्ट कर दें, या फिर हर एक साल के बाद उसकी एंडोमेट्रियल हिस्टोपैथोलॉजी करें, टेस्ट करें। लेकिन जो टेमोक्सिफेन से रिलेटेड एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेसिया होगा वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होता है और ये बड़ी आसानी से रिवर्स भी हो जाता है। तो रिलोक्सिफेन का जो है वो भी हमने देख लिया, बेजोडेक्सिफिन का भी हमने इफेक्ट देख लिया और बाकी भी ये सारी चीजें हैं, रिलोक्सिफेन और ईस्ट्रोजन को भी कंबाइन कर सकते हैं और ये तो प्रेपरेशन हमने डिस्कस कर ही ली। अब जो रिलोक्सिफेन को हम करेंगे तो उसका थोड़ा सा इफेक्ट हो जाता है ऑन द एंडोमेट्रियम, लेकिन अगर बेजोडॉक्सिफेन और ईस्ट्रोजन होगा तो ये ईस्ट्रोजन का इफेक्ट नलीफाई कर रहा होगा, इसलिए एंडोमेट्रियम पे कोई इसका इफेक्ट नहीं है। अब लिवियोल है या टिबोलोन जो हम कहते हैं कि उसमें बहुत सारी चीजों में हम यूज कर सकते हैं, तो वहां पे 28 टेबलेट्स हैं टू बी टेकन कॉन्टिन्यूसली। टिबोलोन है 2.5 मिलीग्राम और इसमें भी जो है वो उसमें कॉन्टिन्यूसली पेशेंट ने लेना होता है, हॉट फ्लैशेस, ऑस्टियोपोरोसिस, जेनिटल एट्रोफी एंड फॉर द लॉस ऑफ लिबिडो। लॉस ऑफ लिबिडो के लिए भी ये एक बहुत अच्छी प्रेपरेशन है। ट्रांसडर्मल पैचेस में जो है वो ईस्ट्रेडियोल प्रेपरेशन है, ये ज्यादातर ईस्ट्रोजन ओनली ही प्रेपरेशन होती हैं, क्लाइमेरा के नाम से अमूमन ये अवेलेबल है और इसी तरह से ईस्ट्रिंग, ईस्ट्रिंग ये है जो कि विजाइना में रखा जाता है, ये हर हफ्ते रिपीट करना होता है और ये हफ्ते में दो दफा रिपीट करना होता है। इस तरह ट्रांसडर्मल पैचेस होते हैं जो कि ईस्ट्रेडियोल जिसमें प्रेपरेशन होती है और बाकी तो हमने तकरीबन कंसिडर, इसमें बेसिकली जो है वो कॉम्बिनेशन में भी आते हैं पैचेस, लेकिन ज्यादातर ये ईस्ट्रोजन ओनली फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। अब जो इसमें थोड़ी सी जो नई प्रेपरेशन है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। एक है मीटर्ड डोज ट्रांसडर्मल स्प्रे। तो इसको जो है ये इसमें ट्रांसडर्मल एप्लीकेशन में ज़्यादा लिवर बाईपास इफेक्ट में अचीव हो जाता है, तो इस वजह से इसमें हम प्रिसाइज डोज जो है वो उसको डिलीवर कर सकते हैं और कि एवा मिस्ट के नाम से होता है। तो इसमें हर स्प्रे यानी इसमें डोज कैलकुलेटेड होती है, ये इस तरह बाजू के ऊपर इस तरह से ये लगाइए, इसका सामने फ्रंट वाला हिस्सा है तो बाजू पे लगा के आपने ऑलरेडी उसकी डोज कैलकुलेट करके उसको मार्क कर दिया और वो उतनी ही डोज जो है वो उसको डिलीवर करेगा और इसमें भी ईस्ट्रेडियोल होता है। इसके अलावा माइक्रोनाइजाइड ईस्ट्रोजन है और नॉराथिस्ट्रॉन एसिटेट भी है, कंबाइंड प्रेपरेशन जो है। अब इस सब कुटेनियस इम्प्लांट है 50 मिलीग्राम ईस्ट्रेडियोल पैलेट इंसर्टेड आफ्टर एवरी 6 मंथ, ये इस तरह का जैसे जिडेल आप लोगों ने देखा होगा या इम्प्लानॉन जो है उसमें वो प्रोजेस्ट्रोजन ओनली इम्प्लांट है बट फॉर 5 ईयर्स, ये 6 मंथ्स के लिए होता है जो ईस्ट्रोजन ओनली इम्प्लांट होता है, ईस्ट्रेडियोल पैलेट होता है और इसमें टोटल 50 मिलीग्राम डोज होती है जो 6 महीने के लिए काफी होती है। लेकिन जो कंबाइंड प्रेपरेशन है माइक्रोनाइजाइड ईस्ट्रोजन और नॉरएथिस्ट्रॉन एसिटेट की वो है ये है, ठीक है, इसको बायजुबा कहते हैं। ये ओनली FDA अप्रूव्ड कॉम्बिनेशन ऑफ बायोआइडेंटिकल ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, यानी ये बायोआइडेंटिकल है, यानी इसमें इसमें सबसे जो ये 2019 में ये हुई थी अप्रूव हो गई थी, इसमें बायोआइडेंटिकल ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का मतलब है कि क्लोजली सिमुलेटिंग टू द नेचुरल हार्मोन प्रेजेंट इन द बॉडी सो हैविंग द मिनिमम साइड इफेक्ट्स, यानी हमारी बॉडी में जो ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है वो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं कर रही होते, रादर दीज हैव द बेनिफिशियल इफेक्ट्स, सो दिस हैज द मिनिमम साइड इफेक्ट्स। और ये हैं जो कि 30 कैप्सूल्स का एक पैक आता है और इसमें रोजाना लेना होता है, इसमें कोई पिल फ्री इंटरवल नहीं होता और ये इसकी जो है वो थोड़ी सी लेटेस्ट रिकमेंडेशंस थी। तो मेरा ख्याल है नाउ एवरीथिंग मस्ट हैव बीन क्लियर्ड बाय नाउ, क्योंकि HRT एक बड़ा लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन ये है कि इसमें जो कोई अगर क्वेश्चन हो कोई एक दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो उसको हम ले लेते हैं और फिर इसके बाद इसको बंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम। हाँ जी
मैम ये दो क्वेश्चंस हैं. एक ये कि अगर किसी यंग पेशेंट में THBS हो किसी वजह से हो गई है सर्जिकल मीनोपॉज, तो जब तक उसको कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे हम HRT उसको स्टार्ट ना करें या साथ ही स्टार्ट करें? नहीं, उसमें देखो सिम्टम्स का आपने वेट नहीं करना. सिम्टम्स का आप वेट करोगे तो उसमें जो है वो आपने, क्योंकि इसमें एक जनरल रूल है कि प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर या आपने सर्जिकल मीनोपॉज कर दिया और ड्यू टू कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी किसी वजह से हो गया, तो उसमें ओवरीज आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ देयर बॉडीज टोटली डिप्राइव्ड ऑफ ओवेरियन हॉर्मोन्स. तो उसमें आपने टिल द एज ऑफ नेचुरल मेनोपॉज आपने उसको वो हार्मोन देने ही देने हैं, चाहे उसको सिम्टम्स हो या ना. सिम्टम तो ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट बता सकता है वो जेनिटो यूरिनरी एट्रोफी है या फिर हॉट फ्लशेज है. बाकी जो ऑस्टियोपोरोसिस वाली चीजें हैं, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, वो तो उसमें वो नहीं बता सकता, वो तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ही चीजें अपेयर होंगी. सो द सारी चीजें जो हैं वो फिर बोन डेंसिटी को प्रिजर्व करना, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को मेंटेन करना, फिर इसके अलावा जो बाकी मेनोपॉज रिलेटेड साइड इफेक्ट्स होते हैं ये सब के सब, और हर एक में वो नहीं होते. ऐसा नहीं है कि इवन आप अगर कभी देखें रिव्यू करें तो हर मेनोपॉजल विमेन को हॉट फ्लशेस नहीं होते. तो इस वजह से आप उसमें सिम्टम्स का वेट नहीं करोगे, आप उसको स्टार्ट कर दोगे HRT. ठीक है. ओके मैम. मैम एक और बात, क्या देखो यंग पेशेंट को हमने कंबाइन स्टार्ट करनी है लाइक क्लाइमेन हमने स्टार्ट करना है ड्यू टू कोई भी रीजन है? देखो यंग पेशेंट में फिर क्लाइमेन विल नॉट बी सूटेबल. अब HRT और कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट दोनों दिए जा सकते हैं, लेकिन एज अ जनरल रूल चूंकि इस्ट्रोजन की रिक्वायरमेंट यंग एज पे काफी ज्यादा होती है, तो इस वजह से आपने इसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं वो आर अ बेटर चॉइस. तो क्लाइमेन जो है वो क्लाइमेन भी कंसिडर की जा सकती है. मतलब HRT और कॉन्ट्रासेप्टिव में अगर डिपेंड करता है कि उसके सिम्टम्स क्या है, अगर कोई भी सिम्टम्स नहीं है तो देन यू कैन स्टार्ट विद द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो के हैं वो ज्यादा एक बेहतर चॉइस होती है. ठीक है. That means कि Femila 28 is better option than that of Clyman. Femila 28 would be a better choice for few years at least, and then you can switch on to the HRT preparation. ठीक है. उसको और वो हर्बल ट्रीटमेंट यूज कर चुकी है और एक्सरसाइज भी कर चुकी है, लेकिन उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है और क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी डिस्टर्ब हो रही है. शी इज हाइपरटेंसिव एंड हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन हर फैमिली. तो उसमें ये था कि व्हाट इज योर टेक रिलेवेंट हिस्ट्री एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन. तो जो हमने तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में उसमें हाइपोथायरायडिज्म और पोस्टमेनोपॉजल पेशेंट ऐसे रखा था उसका, और इन्वेस्टिगेशन में FSH उसका 131 दिया था और TSH नॉर्मल उसका दिया था, और उस डेक्सा स्कैन में -2.5 दिया था इसका. क्या चीज? टी स्कोर -2.5 दिया था. अच्छा ठीक है ठीक है. यानी बोन ऑस्टियोपोरोसिस तो है ही है. जी जी ठीक है. इसमें हमें मतलब क्या क्या ऑप्शन हम दे सकते थे पेशेंट्स के लिए? देखो इसमें ऑप्शन फिर चूंकि ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी वाला एक रिस्क फैक्टर है, हाइपरटेंशन वाला इसमें रिस्क फैक्टर है, तो इसमें जो आप कंसिडर करोगे फिर ओरल प्रेपरेशन तो आप नहीं कंसिडर करोगे, जो कॉम्बिनेशन थेरेपीज होती हैं जो जनरली हम कर रहे होते हैं. इसमें फिर आपकी होगी ये इविस्टा. ठीक है. इविस्टा के साथ आप क्योंकि इसमें जो इविस्टा के साथ जो है इसका इफेक्ट है इसका एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन का वो बहुत ज्यादा नहीं होता, वो टेमोक्सिफेन के साथ ज्यादा होता है, तो इस वजह से वो उसको उसमें कर सकते हैं. दूसरी जो चीज है आप इसमें टिबोलोन कर सकते हैं, बिकॉज एक तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उसमें है लेकिन टिबोलोन के साथ बहुत ज्यादा मार्क्ड नहीं है उसका रिस्क, और उसमें ऑस्टियोपोरोसिस वाला फैक्टर विल बी वेल मैनेज्ड बाय टिबोलोन, और उसमें हाइपरटेंशन वाली चीज भी इसमें वो हो जाएगी. अब जो दूसरी चीज है इसमें जो बायपास वाला इफेक्ट है उसमें ईस्ट्रोजन इम्प्लांट्स वाली चीज आप कंसिडर कर सकते हो, पैच है या रिंग है वो, और उसके साथ क्योंकि ये जो पैच वाला इफेक्ट है ये ऑस्टियोपोरोसिस को अचीव कर लेगा उसके पर्पस को जो पैच आप लगाते हैं, और उसके साथ अगर ये एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन आपने देनी है तो वो फिर माइरिना के साथ आप दे सकते हो, क्योंकि प्रोजेस्ट्रोजन ओनली आपने जो पिल्स हैं वो आपने बिल्कुल इसमें यूज नहीं, यानी प्रोजेस्ट्रोजन किसी भी प्रेपरेशन में यूज आपने नहीं करने.
ठीक है, ईस्ट्रोजन प्रेफरेबली इन इम्प्लांट फॉर्म या पैच फॉर्म, उस सूरत में आप करोगे। और क्योंकि देखो हर्बल के साथ वो नहीं, जो नॉन हार्मोनल है उसके साथ रिलीव नहीं हुआ, एंड डेफिनेटली दीज आर फाइनल, इसमें डायग्नोसिस मीनोपॉजल ही बनता है, तो मीनोपॉज को आपने मैनेज तो करना है। सो द ऑप्शंस विच विल बी इविस्टा या फिर ईस्ट्रोजन इम्प्लांट्स या फिर उसमें पैच या रिंग, और उसके साथ साथ फॉर एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन अगर आप कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हो जिसमें एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन हो सकती है तो फिर आप उसके साथ माइरीना रखोगे। सो दीज विल बी द ऑप्शंस टू बी कंसिडर्ड इन दिस पेशेंट। अब इसमें पेशेंट में जो चूंकि ब्रेस्ट कैंसर का इसका मसला रह चुका हुआ है, तो इसमें आप फैमिली हिस्ट्री है सॉरी ब्रेस्ट कैंसर की, तो इसमें मैमोग्राम जो है वो दैट विल गो साइड बाय साइड, लेकिन इसमें इविस्टा नंबर वन और उसके बाद फिर जो पैच और जो बाकी जेल्स या स्प्रे वगैरह हैं वो नंबर टू पे, और इसमें जो है वो बाकी एंडोमेट्रियल प्रोटेक्शन के लिए अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये इसमें फिर इसके चॉइसेस होंगे। ठीक है, थैंक यू मैम। चलें जी, मेरा ख्याल है अब हम इसको बंद करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज, जो फाइटोइस्ट्रोजन टैबलेट्स आती हैं आइसोफ्लेमोन के नाम से, और जो ये प्रिमोज़ बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि प्लेसिबो ड्रग्स, बाज दफा इनका ये जो खासतौर पे ये जो है एप्को वगैरह या जो ये फेमोस्टोन वगैरह ये सारी जो है इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, ये किसी हद तक हॉट फ्लशेस को तो मैनेज कर सकती है, लेकिन ये मेनोपॉजल सिम्टम्स को मैनेज करने के काबिल नहीं होती। लेकिन यह है कि जहां आपके पास कोई भी और रास्ता ना हो तो वहां पे आपने जो है वो इसमें आप यूज कर सकते हैं। लेकिन आइसोफ्लेविन के साथ भी एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन हैज बीन रिकॉर्डेड, कि जब आप फाइटोइस्ट्रोजन भी आप जो यूज कर रहे होते हैं वो भी जब आप ज्यादा मिकदार में लेते हैं तो उसके साथ भी एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन का रिस्क होता है, तो इसलिए आपने उसका भी साथ के साथ जो है वो मैनेजमेंट करनी होती। ठीक है, उसको मतलब मॉनिटर भी करना होता है और उसकी मैनेजमेंट भी करनी होती है। ठीक है, चलिए मेरा ख्याल है अब काफी है तो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, जज़ाकअल्लाह मैडम, थैंक यू।